मैथिलीके शीर्षस्थ आंदोलनी न सिर्फ ओ साहित्य सृजन कलन आंदोलन के क्षेत्र में ओ शहर जमीन पर मैथिली के जड़ और जमीन के मजबूत करित रहला जीवन पर्यंत हुनकर साहित्य में परिलक्षित हुई हुनकर आंदोलन हुनकर भाषा के प्रति आंदोलन अपन मातृभूमि के प्रति आंदोलन और गांव गांव जा जाके जना आई साहित्य अंगन गांव गांव घूम रहा मैथिली के लिए अपन मातृभाषा के लिए तहिना वो अपन समय में विद्यापति समारोह मना मना के मैथिली के प्रति लोग के जोड़े छला है उनका जागरण करे छला जागरण आने छला है समाज में वो छत छला है काशी कांचीनाथ झा किरण जी धर्मपुर उजान दरभंगा जिला के वासी संजोग से हुनकर सुपुत्र अखन ओहो झंडा लगा विदा भेल छथि प्रोफेसर अहाँ सबक लेल त अपन लोक छथि अपन जगह के लोक छथि प्रोफेसर केदारनाथ झा जी मंचस्थ छथि त हम जानना चाहब बुझा चाहब जे आखिर कोन हालत में कोन परिस्थिति में किरण जी मैथिली के लेल समर्पित छला है मैथिली के माहौल बनवे छला है मैथिली भाषा के कोन तरह आगू बढ़ेलन साहित्य सृजन कलन हमरा अहाँ तक में वो जगह बनेलन पहुँच बनेलन ते हम जानब डॉक्टर शिवशंकर श्रीनिवास जी से जे स्वयं पैघ साहित्यकार छथि बड़ी कथाकार छथि कविता सेहो बढ़िया लिखने छथि समीक्षा पर ही कर पकड़ छन ते हम आग्रह करब डॉक्टर शिवशंकर श्रीनिवास जी से ये किरण जी पर अपन बात रखे एक बाद काव्य संसार और राग संसार दूटा सत्र है जे में कविगण कविता पढ़ता गायक गीत गोता हाँ हमरा सबक बीच मुखिया नरेंद्र नाथ झा उर्फ नारायण जी छथि डॉक्टर मास्टर साहब डॉक्टर नंद कुमार मिश्र जी छथि श्री अनुरंजन झा जी छथि श्री प्रभास झा ज्ञानोदय संस्थापक छथि श्री शंकर झा जी छथि श्री नगेंद्र झा जी छथि शिक्षक श्री एम पी सिंह जी छथि जिनका साहित्य अंगन अपन आयोजन में संभवतः एहि सब में से अधिकांश आदमी पहले पहले आयल छथि हम सब स्वागत करै छी हुनका अभिनंदन करै छी जे साहित्य आंगन के अहिना उत्साहित करैत रहे प्रोत्साहित करैत रहे ते श्रीमान डॉक्टर शिवशंकर श्रीनिवास जी प्रधान बाबू अध्यक्ष मधुकर जी और हमार सहयोगी रहा सोहन बाबू एक गाम सब जन जे ठाम बैसल छी सबके हम नमस्कार करै छी जय मिथिला जय मैथिली हमर पूर्ववक्ता अभयकर ठाकुर जी लक्ष्मीनाथ हुसैन पर भेजला लक्ष्मीनाथ हुसैन हमरा सबके जे तीन टा प्रसिद्ध गोसाइन भेल छथि कालमे रोहिणी दत्त गोसाइन लक्ष्मीनाथ गोसाइन आ हुनक शिष्य रघुवर गोसाइन ई दू तरुणी छला ओहि कालखंडमे
भक्ति आचरण जे भेलै, लेकिन मैथिलीक सेहो काज भेलै। जेना कबीरदास जे ओ निर्गुण उपासक छलाह, हमरो लक्ष्मीनाथ गोसाई निर्गुण उपासक छलाह। गुरुके मार्गके लिए भिन्नता छै, लेकिन कबीरदासके जहन साहित्यिक आयोजन होइ छै तऽ अहाँके आश्चर्य लागत जे कम्युनिस्ट जे भक्ति मार्गके धर्मके विरोधमे गप करैए, भौतिकताके भौतिकवादी गप करैए, ओ कबीर साहित्यपर गप करैए, एहिपर विदा रहैए। सात सात दिन कबीर जे कबीरदास एहि धरतीके मनुखक जनकल्याणके लेल हिन्दी साहित्यके लेल कतेक नम्हर काज कयलनि। कबीरदासके जेना पद पढ़ै छियै एखन कड़ी बड़ी देखै छियै, दुनूमे मेल खाइए, लेकिन ओ हिन्दी ओकरा कहै छै। तहिना हमर लक्ष्मीनाथ गोसाई जे छलाह सधुकरी भाषा छलै, ओ मैथिली भाषा छलै, एहि दुआरे मैथिलीक धरतीक पुत्र छलाह। आओर ओ मैथिली साहित्यके लेल कतेक उपादेयता रहै, ई बात सेहो हम अढ़ाइ बाबूसँ सुनता हूँ, लेकिन संयोग तऽ समय कम छलै। अभय बाबूके लक्ष्मीनाथ गोसाईपर बहुत बात बुझल छनि, से हम बुझलियै, लेकिन संयोगसँ ओ बात आइ नहि भऽ सकल। हमरा जे भक्ति जे होइ छै से एहन मार्ग छियै जे लोकके अपनामे लऽ जाइ छै आ तकर बाद से दोसर मार्ग पर चलब कनि कठिन होइ छै। राम राम नाम धुनके आगूमे लोक आन धुन जे छै से कम पड़ै छै। तऽ आब हमरा लोकनि साहित्यके बातसँ बेसी भक्तिके बात जे हुनक कयलनि, ताहि कारणे अहाँ सभसँ हम निवेदन करब कि आब एक बेर अपन एहि मिथिला धरतीपर आउ, जे भाषामे सधुकरी भाषाके फुट दऽ कऽ लक्ष्मीनाथ गोसाई मैथिली साहित्यक पर पैघ काज कयने छथि, किएक विद्यापतिक बाद आओर कोनो बात यदि हमरा केओ कहैए जे साधु लोकनि तऽ अहाँके भाषामे किछु काज नहि कयलनि, हमरा लग उत्तर अइ नहि, लक्ष्मीनाथ गोसाई बहुत काज कयने छथि। ओहि महान पुरुषके जकर भक्ति मार्गके ओतेक योगदान छै, ओकर साहित्योमे कतेक योगदान छै, से देखबाक इच्छाक लेल मैथिली साहित्य आ लक्ष्मीनाथ साहित्य दुनूके विश्लेषणक आवश्यकता छै, जे फेर कोनो दोसर मंचसँ हेतै। आइ हम एकटा महापुरुषक विषयमे बहुत थोर शब्दमे कहब, एहि दुआरे जे बहुत रास काज करल छलै, फेर एक दिन दर्शन होइ आओर किरणजीपर बाजब, जेना ई कहलनि 6 घंटा, कोनो महापुरुषपर बजे काल तऽ बहुत समय चाही, लेकिन कमो समयमे बहुत किछु लागल जा सकैए बजबाक बजनिहारक क्षमतापर, जे हमरा क्षमता तऽ नहि अइ तथापि हम बजै छी। जे कहलनि मलाइ एहि साहित्य आन्दोलनक संस्थापक छथि, जे किरणजी एहन लोक छलाह, नहि होइ छै आवाज, जे बहुत गरीब परिवारमे जन्म लेने छलाह। अहाँ सब अखन बिसरि जाउ केदार बाबू पिता छलखिन, चार्जर छोड़ रहल होइ, किरणजी मैथिलीके एकटा विभूत छलाह, जे मिथिलामे एकटा साहित्यक धाराके एकटा बाटके बलोढ़ार लोक छलाह। किछु बहुत गरीब छलाह, हुनका पिता जे छलखिन से पढ़ौथिन, तकरो हुनका बढ़िआँ उपाय नहि छलनि। हुनकर टिप्पणी जे देखलखिन ज्योतिषी तऽ कहलखिन हिनका विद्या नहि छनि, ठीक सही लाभ ई पढ़ता नहि, हुनकर टिप्पणी
हम ई गप हमरा स्वयं काजीनाथ झा किरण कहने और लिखने ई बात इंटरव्यू में कहने जे मैथिली अकादमी पत्रिका में प्रकाशित तो हमका हम कहने रही है जो ज्योतिषी जे छला से टिप्पण गलती बने रहे ओहि पर हमरा जवाब देलनि जे यौ टिप्पण जे बनायल छल से हमर मातामह छला जे जमींदार छला हमर पिता श्वेत छला हुनकर विवाह भेलनि जयवार ब्राह्मण कहै छौ ओ जमींदार छला ओ इलाकामे हुनकर कलामी लोग छला ओहि समयमे ओहिठाम जे ज्योतिष छलै नाम पढ़ल फलना से टिप्पण बनल ओ कहलनि कि मनुष्यके ई अधिकार छै जे कोनो वस्तु छै भावी छै कोनो बात छै तकरा अपन पुरुषार्थसँ मेट सकै आर ई बात हमरा यदि अध्यात्म दक्षिणा पोषण तऽ भऽ गेलै गप ताहि दुआरे हम कहै छी जे शुक्राचार्य जहन वृत्त सञ्जीवनीके लेल उपासना करऽ लगला कहलखिन कि बन्द करू अहाँ ई उपासना करऽ लागल ककरो उपासना तऽ बन्द नहि कऽ सकै छी आ तऽ हुनकर उद्देश्य की छनि कहलखिन उद्देश्य जे हेतनि एखन तऽ हमर स्मरण करऽ लागल एखन हम केना हुनका बन्द करू कहलखिन कि ओ प्राप्तकर्ता कहलखिन मनुष्य किस कऽ सकै धरातल पर मनुष्य से किछु कऽ सकैए ओ कोनो बात किरण जी प्रथम श्रेणीमे मैट्रिक पास कयलक ओहि समय मैट्रिक पास कयलाक बाद एकटा डॉक्टरी ड्यूटी होइ छलै जकरा बाद ओहिमे एडमिशन भेलनि लेकिन आर्थिक संकटके कारण नहि पढ़ि सकला राजा टंकनाथ सिंह ठाकुर सुनलखिन जे एहन तेजस्वी छथि ओ हुनका वजह ओतय ओ मैट्रिक पास कयलक दिनाजपुर ओतऽ जे पढ़ै छलाह ओ रातिके दिन भरि नहि रातिके पढ़ै छलखिन जोर जोरसँ तऽ लोकसभ हुनका कहलकनि दरबारी टंकनाथ चौधरीके बड्ड जोरसँ पढ़ै छथिन रातिके सुतऽ नहि दै छथि हमरा सभके अहाँ जे दूध हिनका ओना कऽ दै छियनि से बन्द करू टंकनाथ चौधरी रातिमे अयलाह घुमै लए ठीक ही की करै छथि जखन कि पढ़ै भिनसर भोजनथिन आ मैनेजरके भोजनथिन आ कहलखिन सुनो हिनका जे दूध उठौना दै छियनि आधा किलो से आइसँ एक किलो बढ़ पढ़ पढ़ तकर बाद बहुत बौएला बी एच यू सँ ओ आयुर्वेदके डिग्री लेलनि मने वैद्य भेला मिथिला मोद चलै छलै 1906 ईस्वीमे पत्रकारी करलै फेर बन्द भऽ गेल छलै दोसर धारमे फेर मिथिला मोद चलऽ लगलै जाहिमे किरण जी लीडिंग भूमिका छलै आओर ओहिठाम ओ मैथिलीके एकटा मञ्च तैयार कयलनि कहबै सीताराम झाक सङ्ग जाहिमे यात्री आज 48 ईस्वीमे गाँव भेला बैदागरी शुरू कयलनि आ तकर बाद ओ एकठाम दक्षिणेश्वर एकेडमीमे ओ शिक्षक भेला सङ्गे देखलखिन जे मिथिलामे साहित्यक उत्थान केना हेतै जावत लोक नहि जगतै ओ गामे गामे साइकिलसँ जाय लगला विद्यापति गोष्ठी करैत रहै चारि गोटा पाँच गोटा सङ्गी जा रहला है कतौ दरी बिछा देलखिन आ एहिठाम जे लोकसभ जाइ छलै तकरा सोर पाठी यौ इम्हर आउ हमरा सभक कविता सुनि दे ई ओ मिथिलाक सुदूर गाम गाम तक कयलनि आ से कैक वर्ष तक कयलनि आ तकर बाद लोक बुझि गेलै ओकर नाम राखि देलकै किरण सेनानी जाहिमे यन्त्रनाथ झा सेहो छथि जिनका नाम तकर जिनकर मृत्युके प्रेरणा लऽ कऽ मृत्यु बाद हुनकासँ प्रेरित भऽ कऽ मलयजी ई बात ठाक कयलनि साहित्य आनन्द ठीके कहलनि उएह काज कयलनि मैथिलीके कतौ स्थान देने एकटा स्थान भेल रहै कलकत्ता विश्वविद्यालयमे आ तकर बाद मिथिला बी एच यू मे भेल जाहिमे किरणजीके योगदान छल किरणजीके वाल्मीकि कहलखिन
जे मैथिली में होते कहलखिन कि जे मैथिली और हिंदी में क्या फर्क है, घर में मैथिली बोलो और बाहर में हिंदी पढ़ो। ये कहलखिन जे हम मैथिली हिंदी बुझे तह न, हम तो मैथिली समझ जाते हैं, कहलखिन ना आप नहीं समझते हो, अतः हम समझ जाते हैं। कहकर कहिए तो आपको सुनाइए तो मालू जी कहो तो चंदा झा के रामायण पढ़ने रहे थे तो बुझ जाती हूँ प्रफुल्ल सतत राग की सुधा समान मार सो। लेकिन किरण जी कहलखिन ई छौड़ा अच परम उकाठी उचक पढ़ायल हमार पराठी फराठी कहू अर्थ की है जे। मालू जी कहलखिन उकाठी पराठी क्या हुआ, तो कहलखिन यही मैथिली हुआ। चुप भ गई किरण जी ठाड़ भग मैथिली की जे अनुराग बाली जी सड़क महापुरुष सामने ठाड़ और गप पढ़ी है एक गप में गलत भग उठल वो स्वर पड़खिन लगल हाथ पर पीठ पर हाथ लगाखिन तो मैथिली की मंजूरी हो आ मैथिली के मंजूरी भले अचूमे। तकर बाद फिर पटना यूनिवर्सिटी में भोलानाथ दास आज दोनों क्रम में किरण जी के एक विस्तृत काज हो साहित्य में हमारे एक विशिष्ट रचना से बात पूछे है हिमालय जी के बहुत रास प्रोग्राम लेकिन हम मात्र किस छोड़कर दृष्ट करे सबसे पहले किरण जी चाहे छा इस समाजक लोक जगे जावत लोक नहीं जगते तावत भाषा केना जगते। ए बीच में हमारा एगोटा पूछने छा जे मिथिला राज्य पर अहाँ के की वक्तव्य, हम कहलियन यौ ई गप सुनैमे तऽ बड़ नीक जे मिथिला राज्य हमर हैत लेकिन एकटा कहू हमर गाम पर अहाँ बैसल छी हाँ देखियौ ओ घर बंद छै, ओहि घरक सब छै दिल्लीमे, ओहि घरके लोक छै बम्बईमे, ओहि घरक लोक छै मद्रासमे, ई 10-15 टा जे घर छै ताहिमे दुए गोटा गाम पर सेहो बुढ़ा आ बुढ़िया रहै छै। हाँ सुनू बुढ़वा आ बुढ़िया रहै छै। आब हमरा ई अहाँ कहू जहन ई मिथिलाक सबटा घर बन्दे भऽ जेतै एकर मजदूर सबटा पलायन कऽ देतै तऽ हुनकर भाषामे हनुमान जी कहलखिन तखन विश्वास भऽ रहल अपन भाषा के तऽ ई हमर भाषा जे अइ तकर उत्थान केना हुए एहि लेल किरण जी गाम गाम हुनकर साहित्यक जे बात छै हमरा जने आब एहिपर हम जे बाजब एहिठाम चारि गोटा दस गोटा तरस छी सुन रहा लेकिन हम पहिने कहलहुँ जे भक्ति जे छियै से सेरस छियै तकर हमें का हँसी मे कहने छलियै माफ करब जे भक्त रसके यदि कोनो अर्चना होइत रहै ओहिठाम जे फेर जे दर्शक बैसले टा रहै से जे इच्छा रहै तऽ श्रृंगार रसक आन रस नहि चलत। एखन तऽ भक्त रसके गप भऽ रहल छल तऽ किरण जी एहि मूलक रचना कयलनि आर एहि मूलमे ओ मैथिलीमे कथा साहित्यमे कविता साहित्यमे नाट्य साहित्यमे बहुत उल्लास काज कयलनि जे काज हमरा सबके जे मैथिली रास्ता अइ बाट अछि ओहिपर ओ वाकई काज करैत अछि। जयपर विश्लेषणके लेल हमरा जे शब्दके मांग करैत अछि आइ जे विविध बात अछि ताहिमे कतेक गोटा एखनो जतेक हम बजलहुँ हँ ओहि जतेक जे विषय
अहाँ बेचते छी और फेर पुनः एक बेर वहाँ बनाकर श्रद्धांजलि करै छी। सबटा बात कहै छी जे दिसम्बर मास एहन मास छै, एहि मासमे जीवनाथ झा, पंडित जीवनाथ झा सब पैसे हम बजै छी। जीवनाथ झा जे एका छथि ओ महावैयाकरण पंडित दीनबंधु झाके जेठ बालक, स्वयं व्याकरणके एकटा प्रबद्ध पैघ विद्वान, रावण वध सन काव्य मैथिलीमे लिखने छथि, कतेको कविता हुनकर छनि, मैथिली लेल बहुत रास काज कयने छथि पंडित जीवनाथ। आचार्य यन्त्रनाथ मिश्र बात छै, फोटो यन्त्रनाथ मिश्र चमथेरके छला आ ओ व्याकरणके विद्वान छला, बीए पास छला, एकटा इसकुलमे ओ टीचर छला। मैथिली जे आन्दोलन भेलै ताहिमे एकटा ओ सेनानीक रूपमे छला, हुनको कविता कथा नाटक पर कतेको काज छल आ ओहि काजक प्रेरणाक कारणे आ एक सङ्गे ओ प्रथम शब्दकोशकार भवनाथ झाके पुत्र छथि, हुनकर परिवारे मैथिलीसँ भी रहलनि। मलयनाथ ओहि परिवारक छियाह, हुनकर यत्नाथ झाके सत्या पुत्र छथिन, एठ बालकक बालक, दोसर बालक। आओर तेसर जे छै कि ज्योत्सना चन्द्रम छै कि ई आब नहि छथि, ई हमरा सबके मित्रक पत्नी छथि, बहुत रास कथामे कवितामे काज कयल छथि। संस्कार एकटा गीत छै जाहिमे विनोदी आनन्द हुनकर पद सङ्गे संस्कार गीतक सम्पादन कयने छथि, जे मिथिलामे जतेक संस्कार छै सब संस्कारक गीत एकठाम समाहित छै, जकर सम्पादन कयलनि। बहुतो काज कऽ गेली लेकिन भेल हरी चल गेली, जिनका समग्र किताब सेहो प्रकाशित भऽ गेल छनि। महामहोपाध्याय मुरलीधर झा छथि जे काशीमे की कऽ मिथिला बोध सनक पत्रिका प्रकाशित करौलनि। मैथिलीके मानक स्थिति की हुए ताहिपर बहुत रास काज कयलनि, एना बहुतो विद्वान हुनकर काज कयलनि हँ, एखन तक हमर छथि चलै रहल हँ, लेकिन हमसब कहै छियै जेना होइए तेना लिखू। मैथिली मदनेश्वर मिश्र छलाह प्रथम वाइस चांसलर, आर हुनकर छनि एगो छलाह राजा उपन्यास छनि, आरो बहुत रास काज छनि। मैथिली अकादमीके अध्यक्ष सेहो भेल छथि, एकटा पुत्र छथिन महाभाषाविद रत्नेश्वर जी, जो बहुतो मैथिलीमे ऐतिहासिक काज केलखिन हँ। डॉक्टर दिनेश कुमार छथि झा छथि, प्राध्यापक छलाह पटना यूनिवर्सिटीमे, आओर ई मैथिली साहित्यक इतिहास लिखलनि, काव्यशास्त्र लिखलनि। राजकमल चौधरी हिंदी आओर मैथिलीके दुनू समान रूपके विद्वान छलाह। अहाँ जहन जायब हिन्दी साहित्य संसारमे देखबै जे राजकमलपर ठीक एक दिन पूरा सत्र चलि रहलै हँ। राजकमल चौधरी भारत जहन स्वतन्त्र भेलै छठम दशकमे 1936 ईस्वीमे छल 13 दिसम्बरके, आओर मैथिली कथा आओर मैथिली कवितामे उपन्यासमे ई खास काज कयने छथि, एकटा पाठ बनेने छथि राजकमल चौधरी, मैथिलीके एकटा गौरव छै। प्रोफेसर आनन्द मिश्र मैथिलीके आचार्य छथि, प्रोफेसर छलाह पटना यूनिवर्सिटीमे, हुनकर विचार नीति नामके एकटा संग्रह सेहो प्रकाशित अछि। ई अर्थशास्त्रके सेहो विद्वान छलाह, सङ्गीत शास्त्रके सेहो विद्वान छलाह, मैथिलीके तऽ विद्वान छलाहे आचार्य छलाह। हुनका नेतृत्वमे कतेको विद्वान भेल जकर वर्णन नहि छै। हुनकर सबसँ पैघ खूबी ई छलनि जे जही विषयके कहितियनि तही विषयपर जे बुझतै बुझैत हइ, एकटा आचार्य सबसे मिलल हँ। प्रोफेसर तऽ मैथिलीके बहुत हैत लेकिन आनन्द मिश्र भेलै बहुत। महामहोपाध्याय परमेश्वर मिश्र तरुणी छलाह, ओहि तरुणीमे रोहिणी दत्त गोसाई भेल छै,
हम बहुत समय लग लो वहाँ लोग रोहिणी रोहिणी दत्त गोसाई के बहुत आसनसोर लग रहा छा लेकिन आज तो शायद इस लक्ष्य के वो हम बात नहीं कह माँ बहुत बात यह परमेश्वर वही परमेश्वर झा वही वंशक छा कि मिथिला तक विमर्श नाम के से एक तेहन पोथी भ गया है हमारा सबके मिथिला के बुझाबाक लेल मैथिली के परम्परा के बुझबाक लेल बहुत रास काज वो करैए नारायण उपाधेश संगे बहुत आख्यायिका आख्यायिका निकल बहुतो रास काज कल और हमारा सदा स्मरण रहता माँ बहुत उपाध्याय संस्कृत साहित्य देखिए एक बार धारक के नाम से जाएंगे एक बार और यहाँ से कीजिएगा आ जाएगा ये दोबारा ऑप्शन आएगा उसके जाएगा ओके कीजिएगा उस तरह सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड मतलब ये जहां ब्राह्मण का बंटवारा होने से जो उसको बाकी में ने का भगवान उन्होंने कहा कहना है ना कि यास से ने कहा चाहिए भगवानों सरा लेकिन ये दिखला है भगवानों समाज में इस तक कतेक प्रेम शोषण हुआ भगवान सुधर करके कतेक शोषण भ रहे आ शोषण पूर्व स्थित में जा रहे हैं इससे निगरू जाति के बंधन है स्थित बहुत शोषण भ रहे हैं हिंदा पर बहुत लोग तमसेल जनतानंद गाँव सनक लोग लिख देखे एक उपन्यास बल मानुष लेकिन हिंदा तक परवाह नहीं चल और बी पी एस सी पदाधिकारी छलाई मैथिली अकादमी का अध्यक्ष सेहो रहलाई बहुत उच्च पद पर भेलाई लेकिन एकदम सहज व्यक्तित्व छलनि हिनकर हिनकर एकटा खिस्सा छनि आम खेबाक गुण यहाँ बहुत रास छनि तथा लेकिन आम खेबाक गुण जहन पढ़ब आइ बलै कहने छलाह जे लाल पाग सब आबि गेलै किनको नहि दे तो हमारा लाल कमल अभी राजकमल चौधरी मन पड़ गए छात्र ललका पार वो राखल छे फिर जब काज पर जकर हम कहने के क्षमा करो विवाह में अपने फिर करिए तो लाल पाग कर पहने हो कहबाक मतलब ललका पाग मन पड़ि गेल जेना जोगानंद बाबूके देखू आम खेबाक मुँह मन पड़ि गेल अत्यंत सुकोमल सुंदर कथा एते महापुरुष छलाह हमरा भेल जे हिनका लोकनि परिचय हम दऽ कनि बेसी भऽ गेल हमरा बदलामे क्षमा कैल जाए और किरण जी के हम शिष्य छी हमरा गौरव प्राप्त अछि किरण जी सब पढ़ने दै छी हुनकर आशीर्वाद सेहो पौने छी और हमरा बुझाइए वही आशीर्वादक फल अछि जे खखरैन सनक गाँव हमरा अयबाक सौभाग्य भेटल अइ जे गाममे कहियो लक्ष्मीनाथ गोसाई सनक पुरुषके पैर पड़ल छलनि हम ओहि धूलके ओहि धूराके अपन माथमे लगबै अहाँ सबके प्रणाम करैत जय मैथिली जय मिथिला